छत्तीसगढ़ में पारंपरिक रूप से बनाए जाने वाले त्योहार भगवान गौरी गौरा को बड़े ही धूमधाम से विदाई दी गई। छत्तीसगढ़ में लक्ष्मी पूजन के त्योहार के साथ ही भगवान गौरी गौरा की पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान दो दिन पूर्व महिलाएं जिस प्रकार से शादी के लिए मिट्टी इकट्ठा करती हैं, उसी तरह से गांव के मंदिर के पास से मिट्टी लेकर पहुंचती हैं और फूल को कूटने के साथ ही उसी मिट्टी से भगवान गौरी गौरा की मूर्ति बनाई जाती है। देर रात बड़े ही धूमधाम से भगवान गौरा यानी भगवान शंकर की बारात निकाली जाती है, जो गांव मोहल्लों में घूमते हुए मुख्य कार्यक्रम स्थल गौरा चौक में गौरी यानी मां पार्वती के यहां पहुंचती है, जहां पर मां पार्वती के साथ उसका धूमधाम से विवाह किया जाता है। तत्पश्चात रात भर गौरी गौरा की सेवा पूरे ग्रामीण करते हैं और सुबह उसे धूमधाम से विदाई देते हैं। देर रात नवागढ़ में संसदीय सचिव गुरदयाल सिंह बंजारे भी मां गौरी गौरा की पूजा अर्चना करने पहुंचे, तो बेमित्रा के विधायक आशीष छाबड़ा भी जिला मुख्यालय के विभिन्न वार्डों में पहुंचकर भगवान की पूजा अर्चना करते हुए आशीर्वाद लिया। बेमित्रा से सुजीत शर्मा की रिपोर्ट। सर्वप्रथम गौरी गौरा रखने से पहले ग्रामीण महिलाओं की टोली यहाँ एक गौरा चौरा होता है, वहाँ पर फूल कुचरने का एक परंपरा होती है, वहाँ फूल कुचरते हैं। दो तीन दिन से उनका उत्साह होता है। शाम को यहाँ पर सुबह नृत्य का कार्यक्रम होता है जहाँ गौरा चौरा होता है। उसके बाद दीपावली लक्ष्मी पूजा की रात्रि को, इस बार ग्रहण के कारण से भले ही आज गोवर्धन पूजा के दिन किया जा रहा है, लेकिन उसकी परम्परा यह है लक्ष्मी पूजा के दिन रखते हैं। उस भगवान शिव जी की बारात निकल